किरण जाधव जी मौजूद हैं प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट से। किरण जी शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले मार्केट्स पे पर्सपेक्टिव बताएं, डायरेक्शनल प्ले होगा क्या मार्केट पे और कुछ तेजी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो निफ्टी को 9200 के लेवल के ऊपर ले जाएगी एक्सपायरी हफ्ते में? वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि मार्केट में अच्छा रुझान देखने को मिल जाना चाहिए। हालांकि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पे हम अभी ट्रेड कर रहे हैं, 8170 से लेके 9170 से लेके 9200 बहुत इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जो पार करना बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और आज का अगर ट्रेड देखते हैं तो बहुत सारे फ्रंटलाइन काउंटर्स है जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडेक्स हैवी वेट से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसको जिसकी मदद हो रही है। मेरा मानना है कि ये लेवल निकल जाएगा तो उसके बाद एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होगा। अभी के लिए थोड़ा सा रिस्की है पर अभी भी कोई लॉन्ग करता है तो 9140 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। 9200 9220 के लेवल्स आज शाम तक देखने को मिल जाने चाहिए। अच्छा, ये रियल एस्टेट पैक पे आपने अपने क्लाइंट्स को सजेशन क्या दिया है? जिस तरीके की तेजी देखने को मिल रही है, आज ही नहीं, आज का मुद्दा नहीं है, ये पिछले एक डेढ़ महीने का मुद्दा है। रियल एस्टेट सबसे ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है इस समय मार्केट पे, हपटाउन, आईबी रियल, डीबी रियल्टी, दिलीप बिल्डकॉन, डीएलएफ लार्ज कैप में, इनफैक्ट जो सभी स्टॉक है यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्गली पार्टिसिपेशन है। कोई स्टॉक जो आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं इस सेक्टर में सर? सी डीएलएफ पे मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म पैटर्न बहुत स्ट्रांग हो चुका है और जहाँ पे बहुत बड़े रेजिस्टेंस जोन निकल चुका है। स्टॉक करीबन 170 का लेवल था जिसके ऊपर हमने बाइंग के सजेशन दी थी। मेरा मानना है कि अभी भी बाय किया जा सकता है ट्रेडिंग या मोमेंटम के हिसाब से। अभी अगर कोई बाय करता है तो 182 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए करीबन 220-230 के लेवल देखने को मिलेंगे अगले करीबन एक महीने के अंदर, तो पोजिशनल व्यू रहेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लगता है आज 194-195 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो आईबी रियल की बात कर रहे थे, वो पिछले कई दिनों से बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न कर रहा है और पिछले 5 दिनों का जो कंसोलिडेशन है उसका आज ब्रेकआउट वापस अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि इधर भी एक छोटा सा पोजिशनल व्यू ले सकते हैं या ट्रेडिंग व्यू ले सकते हैं। 150 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए 164-165 के लेवल्स देखने को मिलेंगे जो कि आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, एक देखिए हिमतसिंका सीड, ये टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनी है, आज 2 लाख की एक ब्लॉक डील हुई 2 लाख शेयर्स की, उसके बाद इस स्टॉक पे एक एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। सस्टेनेबल लगता है आपको ये 7% का मूव जो आज दिया स्टॉक ने? ऐसा लगता है क्योंकि पिछले 11 ट्रेडिंग सेशन में जो छोटा सा प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन हुआ है उसके बाद जो आज वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक चल रहा है तो मुझे लगता है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि आप अभी भी खरीदी कर सकते हैं। 260-261 का स्टॉप लॉस रहेगा और करीबन 380-285 के टारगेट्स जल्दी देखने को मिलेंगे जो कि कल या परसों तक आ जाने चाहिए।